वालेकुम एवरीवन उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे और खुश होंगे तो भाई क्या हाल चाल है ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज यहाँ सुबह का वेदर इस तरह का है कि गर्मी हो रही है कम पारा में और दो दिन से बारिश भी नहीं हुई है तो फिलहाल चलते हैं हम किचन में अपने रोज़मर क्योंकि हम लोगों की जो गर्ल्स की खास तौर पे जिंदगी है वो बहुत ज़्यादा किचन से रिलेट करती है तो चले आज मेरा इरादा है मीन्स ये जमेरात का ब्लॉग है जो कि मैं आज पोस्ट कर रही हूँ तो आज मेरा इरादा है कि मैं बिरयानी बनाऊँ मेरा बहुत दिल चाह रहा था बिरयानी बनाने का तो वैसे मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर रेसिपी तो यहाँ मैंने ऑलमोस्ट अपने और अपने हस्बैंड के हिसाब से आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा चिकन ले ली होगी और उसमें दही और हरी मिर्चें और पुदीना हर तरह जैसे हम रायता बनाते हैं वैसे पीस के इसके अंदर डाल दिया था एंड देन सिवाए मैंने हल्दी के हल्दी मैंने आधी चम्मच दी थी बाकी सब मैंने इसके अंदर वन टेबल स्पून लिया है जिसमें एक टेबल स्पून फ्लैट मिर्चें नहीं है पिसी हुई आप कुटी टीवी ले सकते हैं एंड काली मिर्चें हाँ, धनिया पाउडर और गरम मसाला और, और बाकी साबुत गरम मसाला इसके अंदर मैंने डाला है ठीक है और फिर जस्ट हमने क्या करना है कि ऑयल डाल के प्याज को फ्राई कर लेना है अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि मैरिनेट करने से ना बहुत जल्दी कौरमा बन जाता है और अच्छा अदरक लहसन भी डलेगा तो वो मैं, मैं पहले मेंशन करना भूल गई थी देन मैं अभी बता रही हूँ आपने क्या करना है इसको अच्छे से भून लेना है इसके अंदर पानी शामिल करके दस से पंद्रह मिनट तक आपने इसको छोड़ देना है जब तक आपकी चिकन गले की आपने टमाटर के साथ इसको अच्छे से भून लेना है और फिर आपने चावल को पसाना है मीन्स कि आपने हाफ बॉयल करना है और देखिए मेरे यहाँ पे चावल इतने प्यारे हो गए थे मीन्स इतने अच्छे लग रहे थे ए, क्योंकि मैंने इनको भिगो के बनाया था तकरीबन दो घंटे बाद ना तो क्योंकि मैं अभी यहाँ पे कम में नहीं हूँ तो मुझे यहाँ पे चावलों का ना अंदाजा परफेक्टली हुआ नहीं था तो फिर मुझे ए, अपनी अम्मी की बात याद आई कि तकरीबन दो घंटे गए आप चावल को भिगोए तो आपके चावल अच्छे बनते हैं तो फिर मुझे मैंने वो उसी तरह किया तो यहाँ पे चावल और बिरयानी जो है बहुत अच्छी बन गई थी खिले के लिए मुझे बिल्कुल भी बैठे हुए चावल नहीं पसंद है तो क्योंकि हमारे घर में ही नहीं बनते थे तो उस हिसाब से ये खिले खिले चावल अच्छे लगते हैं तो फिलहाल यहाँ पे टाइम था शाम का तो मुझे ऐसा हुआ, हुआ कि चलो थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि हस्बैंड आते हैं और फिर हम लोग रात में ही खाना खाते हैं तो यहाँ पे फ्रोज़न मैंने रोल मंगा लिए थे यहाँ पे मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी वो काम करती हैं इस चीज़ का तो फ्रोजन मैंने रोल मंगा लिए थे बस रोल -बोल बनाने के बाद हाँ, और चाय वाय करने के बाद क्योंकि चाय की मैं इतनी शौकीन हूँ नहीं जिस तरह के मेरे हस्बैंड हैं फिर भी मुझे चाय बनानी पड़ जाती है तो यहाँ पे मैं चाय बना के रोल बोल बना के सब रेडी करके बैठ चुकी थी और इस तरह मेरा आज का दिन गुज़रा था मीन्स कल का दिन गुज़रा था और आज मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो अपना ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मिलते हैं अगले ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और हाँ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ तब तक के लिए Stay tuned.